दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूं। जैसा कि आपने देखा होगा, कुछ YouTube चैनल पे बताया जा रहा है कि बीएड वालों को इंटर्नशिप करने की आवश्यकता नहीं है। देखो दोस्तों, मैं आपको यहां बिल्कुल सारी जानकारी बता देता हूं प्रूफ के साथ, ठीक है ना। देखो, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, धन्यवाद। दोस्तों देखो, आपको इंटर्नशिप तो करनी है बीएड वालों को, लेकिन जो 3 माह का जो कोर्स होता है मेरे दोस्तों, ठीक है, जिसे बोलते हैं RSLDC, ठीक है ना, वो कोर्स आपको करने की आवश्यकता नहीं है। इंटर्नशिप आपको करनी है। देखो क्या होता है, जो जैसे कि मान लो जिसने बीएड नहीं कर रखी है, ठीक है, तो उसको ये 3 माह का कोर्स करना पड़ेगा। और यदि आपने बीएड कर रखी है और आप बेरोजगारी भत्ता लेते हैं, तो आपको 3 महीने का कोर्स करने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे ही इंटर्नशिप के लिए आपको आपके जो भी आसपास जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर आपको भेजा जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें बिल्कुल भी डिफरेंस है, बिल्कुल क्या है, अलग अलग इसमें डिफरेंस है। RSLDC जो है 3 माह का एक छोटा सा कोर्स होता है, ठीक है, और इंटर्नशिप एक 2 साल की प्रोसेसिंग टाइम है, ठीक है। तो यदि आप बेरोजगारी भत्ता लेना चाहते हैं तो आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, जैसा कि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। लेकिन अभी आपको टेंशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अभी 1 जनवरी आने दीजिए, ठीक है ना। हो सकता है इसमें नियमों में बदलाव हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से छात्रों में असमंजस की स्थिति है, ठीक है, तो मुझे विश्वास है इस टॉपिक से आप बिल्कुल भी जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि काफ़ी साथियों के बार बार मैसेज आ रहे थे। कि एक बार मैं आपको पुनः बताना चाहूँगा, बीएड वालों को RSLDC कोर्स करने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने बीएड नहीं कर रखी है उनको करने की आवश्यकता है। और जैसे कि वही जो कंप्यूटर से संबंधित कोर्स होते हैं, जो 3 महीनों से ऊपर होते हैं, उनको भी ये कोर्स करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो धन्यवाद, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपको इंटर्नशिप से संबंधित और भी आपको जानकारी बताई जाएगी।